Maybelline Faces Lakme 9 Plus Color Bath Skin Care में Oshia Wow Rich Feel Raga और भी बहुत कुछ जो आपको मदद करे और भी खूबसूरत दिखने में Pile Beauty Corner मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा में राजनीति पार्टी में कहीं ना कहीं MIM पार्टी का भी अहम भूमिका है। मुंब्रा कौसा के तमाम मुद्दों पर MIM पार्टी खुलकर सामने आई, जिसमें सैफ पठान और लीशान अंसारी के साथ उनके साथियों का नाम सबसे आगे है। मगर अब सैफ पठान को कलवा मुंब्रा का अध्यक्ष बनाया गया है और सैफ पठान को कलवा मुंब्रा अध्यक्ष का पद मिला है तो उनकी राजनीति गलियारों में थोड़ा हलचल भी तेज हो गई है। खास करके युवा वर्ग काफ़ी उत्साह है इन्हें अध्यक्ष बनाए जाने पर। हमारे साथ कलवा मुंब्रा विधानसभा MIM पार्टी के अध्यक्ष सैफ पठान जुड़े हैं, हम उनसे बात करते हैं। सैफ पठान, आपको सबसे पहले अध्यक्ष बनाए जाने पर बहुत बहुत मुबारक। जी बहुत बहुत शुक्रिया और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सैफ पठान, आपको कलवा मुंब्रा विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है तो जाहिर सी बात है कि आप पर जिम्मेदारी भी बढ़ गई है, ऐसे में पार्टी को आप मजबूत कैसे बनाएंगे? जी इंशाल्लाह ताला, देखिए जैसे मुझ पर भरोसा करके पार्टी के जो वरिष्ठ हैं उन लोगों ने एक जिम्मेदारी दी है इस शहर से, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि पूरे संगठन जो हमारे काफ़ी दिनों से चर्चा थी कि MIM में संगठन बिखर गया, उनको एकजुट करना और पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करूँगा। किस तरह से मजबूत आप बनाएंगे पार्टी को, बताइए जी। पार्टी ऑलरेडी देखे MIM अपने आप में एक मजबूत पार्टी है, मुझे बस यानी यहाँ पर जो संगठन बिखरा हुआ है उसे जोड़ना है और एक अच्छा एक अपोजिशन का रोल इस शहर में निभाना है। आवाम जो हमारी आप देख रहे हैं कि काफ़ी जुल्म हमारे आवाम पर होता है उसे रोकना है और हमारे शहर के भले के लिए जो काम हम कर सकते हैं वो करना है बस। अच्छा, MIM पार्टी के कई लोग ऐसे भी हैं भाई कि जो MIM पार्टी में होने के बावजूद भी वो अलग थलग रहते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है ये गुटबाजी भी मानी जाती है कि MIM पार्टी में होने के बावजूद भी अलग थलग रहना। सोशल मीडिया पे सब लोग अलग अलग अपने पोस्ट डालते हैं, अपना अलग अलग देते, तो ऐसा माना जा रहा है कि MIM पार्टी में कहीं ना कहीं जो गुटबाजी है। तो आप अभी अध्यक्ष बने हैं तो ऐसे में आप क्या सबको साथ लेकर चलेंगे? जी इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि जितने भी यानी जो आप जैसा बता रहे हो कि ऐसी बातें हैं तो अगर मैं उन लोगों को जोड़ूँ और सबको यानी एक साथ लेकर आऊँ और जो भी यानी है, देखिए कुछ भी कोई भी पार्टी हो उसमें थोड़ा बहुत तो रहता है लेकिन नाराज़गी वो ख़त्म करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा और सबको एक साथ लाने की कोशिश करूँगा। नहीं नहीं, ऐसा देखा जाता है कि मतलब कोई भी मुद्दा हो तो आप जो है आपकी टीम अलग रहती है और उसी MIM में होने के बावजूद भी लोग अलग रहते हैं। आपके आप भी किसी तरह का विरोध करते हैं तो MIM में होते हैं लेकिन वो शामिल नहीं होते हैं आपके साथ? जी ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने जितने भी अभी तक मैंने धरने प्रदर्शन किए हैं या जो भी मेरी भूख हड़ताल रही है पूरी टीम हम लोगों की MIM की रही है। हाँ कुछ ऐसा होता है कि जैसा मैं ज़्यादा लाइव वगैरह प्रीफर करता हूँ तो उस वक्त कोई ऐसा मुद्दा होता है जो मुझे सडनली डिसीजन लेना होता है और उसको आवाम के सामने लाना होता है तो उस वक्त पॉसिबल नहीं होता है कि सब पूरे कैडर को मैं बुला सकूँ और कर सकूँ, तो उस टाइम पे होता है। बाकी उसके अलावा जब भी कोई हम लोग का होता है कुछ भी प्रोग्राम तो उसमें सब एक साथ होते हैं। नहीं अभी देखिए MIM के कई कार्यकर्ता ऐसे भी हमको मिले कि आप जब अध्यक्ष का पद लिए उसी पार्टी उसी कार्यक्रम में जो है आपने कई ऐसे कार्यकर्ता थे जिनको नहीं बुलाया? जी देखिए पहले तो मैं ये आपके माध्यम से क्लियर कर दूँ कि वो कार्यक्रम मेरा पर्सनल नहीं था, वो MIM पार्टी का था और जो हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट है महाराष्ट्र के डॉक्टर अब्दुल गफार कादरी साहब उनका प्रोग्राम था, ये उनका इन्विटेशन था, बस मुझे अरेंज करने बोला गया था तो मेरा बुलाना नहीं बुलाना संबंधित था उनकी तरफ से कॉल थी मीटिंग। लेकिन उन लोगों का कहना यही था, मैं नाम नहीं लेना चाहता लेकिन उन लोगों का कहना यही था कि पार्टी का सब अरेंजमेंट आपने किया तो आपका काम था उन लोगों को बुलाना, कहीं ना कहीं आप अध्यक्ष बने आप जोड़ने की बात कर रहे हैं कि लोगों को हम जोड़कर साथ में लेकर चलेंगे। जी, जी जी लेकिन जो नाराज़गी और कार्यकर्ता जता रहे हैं उनके लिए आप क्या करेंगे, कैसे उन्हें करेंगे जब अध्यक्ष का पद आप लिए और उसी में नहीं बुलाए? जी देखिए मैं पहले आपको बताऊं कि वो सिर्फ कार्यकर्ता सम्मेलन था, कुछ ऐसा डिसीजन नहीं था। कार्यकर्ताओं को तो ही नहीं बुलाया? सुनिए ना, उसमें ऐसा बताया नहीं गया था कि मुझे अध्यक्ष बनाया जाएगा, ठीक है। वो सडनली वहाँ पर डिसीजन लिया गया, आपने देखा होगा वहाँ पर ही बैठ करके जो गफर कादरी साहब के पीए उन्होंने लेटर रेडी किया और उन्होंने मुझे दिया
वहीं शाह आलम भाई मेरे बाजू में जो हमारे नगर सेवक पार्टी के उनसे डिस्कशन हुआ, तो ऐसा कोई मेरा प्रोग्राम नहीं था। मैं वापस से क्लियर करूँ, ये पार्टी का प्रोग्राम था। और करीबन आज यानी साल भर बाद पार्टी का कुछ अच्छा एक प्रोग्राम मीटिंग कॉल की गई थी उनके वरिष्ठों की तरफ से, तो उसमें जो कार्यकर्ता खुद से नहीं आना चाहिए, कोई इंपॉर्टेंस की आपको भी दावत नहीं थी और जितने वहाँ मौजूद हुए थे किसी को भी पर्सनल दावत नहीं दी गई थी, बस एक पार्टी का जिनके दिलों में मोहब्बत थी वो आ गए, वहाँ मौजूद हो गए, पार्टी का फंक्शन अटेंड कर लिए। अच्छा, मुंब्रा कौसा के जो तमाम मुद्दे हैं ऐसे, तो उन पे आप देखा गया है कि आप जो है जब MIM पार्टी के यूथ प्रेसिडेंट थे जी, तो कई मुद्दे ऐसे थे जिनको लेकर शहर में आप आवाज़ उठाए और चर्चा में भी रहे, राजनीतिक गलियारों में हलचल भी हुई, लेकिन अब जो है अध्यक्ष बने हैं तो कहीं ना कहीं जो है अब ऐसा माना जा रहा है कि अब राजनीति में काफ़ी फेरबदल होगा, तो अब क्या ऐसा लग रहा है आपको कि जो है तो कौन सा ऐसा मुद्दा है मुंब्रा कौसा शहर का कलवा का कि जो सबसे पहले आप उठाएंगे? देखिए, ऐसा तो कोई डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि मुंब्रा जो है मुद्दों में ही घिरा हुआ है। आपको मुंब्रा की हालत पता है कि जो यहाँ की सत्ताधर पार्टियाँ हैं उन लोगों ने मुंब्रा को किस तरीके से दिमक बंद करके खोखला किया हुआ है। अभी हाल ही में देखिए, पिछले दो तीन दिन से मैं देख रहा हूँ कि जो TMC है हमारे प्रभाग समिति, वो हर बिल्डिंगों पे जा रही है, धोखादायक बिल्डिंगों पे, जिसके लिए मैंने 14 अगस्त 2020 को ही मैंने लेटर दिया था TMC में कमिश्नर को, TMC कमिश्नर को, अपना मुख्यमंत्री को, सब तरफ मैंने लेटरबाजी की थी कि जब मैं युवा अध्यक्ष था कि जो हमारे शहर में हर साल आप धोखादायक बोलकर 4 से 5 बिल्डिंग खाली कर देते हो, लोगों को घर से बेघर कर देते हो, उनके लिए कुछ स्कीम लाए, तो हम वो मुद्दे को लेकर के कहीं ना कहीं उसमें भी तो आपका ही नाम आ रहा है सामने कि आपने ही जो है लेटर दिया मनपा में कि धोखादायक इमारतों पर कार्रवाई की जाए, अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की जाए। देखिए, ये तो अभी जो हमारे अपोजिशन वाले हैं वो बातें फैला रहे हैं, आपको मैं चाहिए तो मेरा लेटर दिखा देता हूँ, अभी मेरे पास मौजूद ही है। मैंने उस पर मांगनी की है कि शहर में जितनी धोखादायक बिल्डिंग है, हम लोग यहाँ पर मिडिल क्लास के वर्ग के लोग रहते हैं, ये हर साल आप खाली कराते हो 4 से 5 बिल्डिंग और लोगों को घर से बेघर करते हो, ये ना करते हुए TMC हमारे लिए स्कीम लाए, हम लोगों को रिपेयरिंग में फंड दे, हमारी मदद करे। मेरा लेटर अभी भी मेरे साथ मौजूद है, आप चाहे तो मैं इसकी कॉपी आपको इसका पोस्ट कर देता हूँ, आप देख सकते हो। घर के बदले में घर दिया जाए, घर के बदले में घर दिया जाए, और अगर जो बिल्डिंग खास्ता हालत नहीं हुई पूरी तरीके से, TMC कुछ ऐसी यानी फंड हमारे लिए रेस करे जो हमारे शहर की जो बिल्डिंगों के टेनेंट लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं है पूरी तरीके से रिपेयर करने के, उनकी मदद भी करे। मैंने उसमें मांगने की है, हम तो इसका विरोध कर रहे कि खाली करके लोगों को घर से बेघर ना करें। ठीक है, तो पठान जी, लास्ट सवाल आपसे जी, कि जिस तरह से पिछले चुनाव में देखा गया था कि MIM पार्टी के जो कैंडिडेट थे जी, वो कहीं ना कहीं जो है वापस ले लिए थे जी, ऐसे में MIM पार्टी की काफ़ी किरकिरी हुई थी, उस वक्त भी जो है आपका नाम आगे आया था कि जो है चुनाव में आपको टिकट दिया जाए, तो अब की बार चुनाव में क्या लग रहा है आपको, अभी अध्यक्ष बनाया गया है तो क्या आपको पार्टी टिकट देगी? देखिए, अभी ये तो चुनाव काफ़ी दूर है, उस पर बात करना है ने? मुझे नहीं लगता दूर है, लेकिन लोग कहीं ना कहीं युवा वर्ग के जो लोग हैं मुंब्रा कौसा के, वो काफ़ी लोग आपसे जुड़े हुए हैं जी जी, नहीं ठीक है, वो की मांग रहती है, कहीं ना कहीं पिछले साल भी चुनाव में यही नाराजगी सामने आई थी कि शायद पठान को टिकट मिलना चाहिए, लेकिन गुंजन को मिला और उन्होंने फिर वापस भी ले लिया, इस पर भी काफ़ी हंगामा हुआ था, आप लोग भी विरोध कर रहे थे लेकिन खुलकर सामने नहीं आए थे। नहीं नहीं, देखिए हम लोगों ने तो विरोध नहीं किया, जिस टाइम गुंजन को टिकट मिली हम लोगों ने उसका सत्कार भी किया, हम लोगों ने एक्सेप्ट भी किया, और देखिए पार्टी का फैसला है, वो पार्टी के वरिष्ठ करेंगे, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मेरा काम यहाँ पर बस ये रहेगा कि किस तरीके से मैं मेरे शहर की आवाम के मसले हल कर सकूँ, उनको बुनियादी सहूलतों से जो महरूम किया जा रहा है उन्हें वो दिला सकूँ, और हमारी पार्टी को किस तरीके से मजबूत कर सकूँ इस शहर में, मेरा वो काम रहेगा। ठीक है, इलेक्शन आएगा तब उसका तब देखेंगे, अभी से कोई डिस्कशन करके कोई मतलब नहीं है, जो भी वरिष्ठों का फैसला होगा मैंने पिछली बार भी मंजूर किया, आगे भी मंजूर करेंगे। तो क्या उम्मीद क्या रख रहे हैं आप, टिकट की उम्मीद रख रहे हैं? देखिए, मेरे को उम्मीद तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मैं एक छोटा अदना सा कार्यकर्ता हूँ, मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की यानी ऐसा मानता हूँ कि उनकी पार्टी का तो सभी बोलते हैं मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं एक दिल में उम्मीद रहती है कि हाँ मुझे ये चीज़ मिलनी चाहिए। देखिए, ऐसा कुछ नहीं था, जब भी मुझे कुछ पार्टी से मिला गया अनएक्सपेक्टेड रहा, जैसे आज मुझे ये पद मिला है प्रेसिडेंट का, तो वो भी मुझे मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था कि काफ़ी लोग उसके लिए भागदौड़ कर देते हैं, मैं बस एक कार्यकर्ता बन के काम कर रहा था, और मेरा वही मानना है कि जो काम करेगा उसको मेहनत करने वाले को फल मिलेगा, वैसा मुझे शायद आज उन लोगों को मेरी मेहनत दिखी और उन लोगों को एक उम्मीद दिखी कि मैं पार्टी को और स्ट्रांग कर सकता हूँ शहर में, इसलिए उन लोगों ने मुझे जिम्मेदारी दी और मैं उसी पर काम करूँगा, बाकी
टिकट मिले नहीं मिले, पार्टी में पद मिले नहीं मिले, मैं मेरी आवाम के लिए, मेरे शहर के लिए, मेरी कौम के लिए हमेशा हाजिर हूँ। मुझे कोई पद और कोई ओहदे की ज़रूरत नहीं मेरे लोगों के लिए काम करने के लिए। अच्छा, तो अभी आपको अध्यक्ष तो बनाया, लेकिन आप मुंब्रा कौसा की जो है मैम की बॉडी कब तक बनाएंगे, कब तक ये होगा, किसको क्या पद दिया जाएगा, कुछ इसके बारे में बताएंगे? जी, अभी हम लोगों की देखिए, जो जैसा आपने बताया कि कुछ लोग नाराज़ हैं, पार्टी से दूर है, उनसे पहले मैं मीटिंगें कर रहा हूँ, अभी उनको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ नए लोग हमारे शहर से जुड़ना चाह रहे, कुछ अच्छे प्रोफेशनल्स लोग जुड़ना चाह रहे, तो पूरी एक अच्छी बॉडी हम लोग जल्द ही जल्द, मेरी बात हो रही है ऊपर उन लोगों से मीटिंग करके, इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द हम लोग एक अच्छी बॉडी शहर में डिक्लेयर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हर्ष साहब पठान, जो मुंब्रा कौसा में अब MIM पार्टी से अध्यक्ष का पदभार संभाले हुए हैं, और मुंब्रा कौसा से तमाम जो मुद्दे हैं इन पर ये हमेशा अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, और ऐसा जताया जा रहा है कि आने वाले चुनाव में काफ़ी फेरबदल भी देखने को मिल सकता है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।